गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि होमलेस हैं कौन, आप किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हो, क्या उन लोगों को भी आप होमलेस गिन रहे हो जो हफ्ता पहले आए हो और यहाँ आप ज़मीन का क्लेम करेंगे, या आपने कोई डेट रखा हो जो आपका कट ऑफ डेट हो। मुझे तो लगता है कि वो लोग जो 2019 के बाद आए हैं उनको तो वैसे भी इस खाते में लाना नहीं चाहिए। तोड़फोड़ का काम, ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है, ये इन पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसके खिलाफ बीजेपी ने ये कोशिशें नहीं की। अगर आप होमलेस जो हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है आप उनको एडजस्ट करना चाहते हो तो उन लोगों को एडजस्ट करिए जो 2019 से पहले यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि 2019 के बाद आपने बहुत लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की। और अगर के उन लोगों को आप ज़मीन देने की बात कर रहे हो जो जुमा जुमा हफ्ता नहीं हुआ उनको यहाँ रहते हुए, तो जाहिर सी बात है हमारे दिलो दिमाग में शक तो पैदा होगा ही। तो गवर्नमेंट पहले ये क्लियर करे कि वो किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हैं, उसके बाद फिर वाजिया तौर हम इस पर और बात करें, फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या इससे एनसीपी को नुकसान होगा या नहीं, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक सुनने को मिल रहा है लोगों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद नहीं किया जिस तरह की बातें अजीत पवार साहब ने पवार साहब के बारे में की, और बिलखसूस उनके उम्र के बारे में जो कहा कि अब इनको रिटायर हो जाना चाहिए था इससे बहुत पहले। ये मुझे लगता है वहाँ के लोगों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। बाकी तो कहीं पे कामयाब हुए, कहीं पे कामयाबी हासिल नहीं कर सके। अब प्रपोजल आ जाए फिर देखेंगे, उस पर बात करेंगे। अभी तो जिस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है, शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं हैं। लेकिन इन लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा, लोगों को, इस मुल्क के आवाम को, कि जब आज़ादी के बाद मुल्क के कानून बनाए जा रहे थे उस वक्त सुनने में आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथ ही चाहते थे कि मुल्क में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। उसकी मुखालफत संघ परिवार ने की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में उस तरह का कानून हो। अब इनका क्या प्रपोजल रहेगा, किस तरह हर किसी को साथ लेके चलेंगे, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। दीजिए ना, हम लाने दीजिए ना प्रपोजल। अगर कोई भी इनका ऐसा प्रपोजल होगा जिससे कि यहाँ जो माइनॉरिटीज़ हैं मुल्क के उनको नुकसान पहुँचेगा, हम कभी उसके साथ कुछ का साथ नहीं देंगे। अच्छी बात है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बेंच का ऐलान कर दिया है। हम भी ये जानते हैं कि रातों रात ये होगा नहीं, क्योंकि पहले मौके पर शायद इनको गवर्नमेंट को नोटिस देना होगा, उसके बाद जाके फिर इस पर सुनवाई जो है वो शुरू होगी। और एनसी क्या करने जा रही है, हम इस पर पटिशनर हैं, हमने हमारे जो दो मेंबर पार्लियामेंट हैं हसनैन मसूदी साहब और अकबर लोन साहब, वो इसमें पटिशनर हैं। हम बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, लड़ेंगे और इंसाफ हासिल करने की कोशिश करेंगे।